वालेकुम, खुश आमदी, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सबको बना रहे हैं लाहौरी चने, जिसके लिए हमने एक कप चने ओवरनाइट के लिए डिप करके रख दिए थे। अब इन चनों को कर लेते हैं बॉयल। बॉयल करने के से चने में थोड़ा सा नमक जाएगा। चने हमारे बॉयल हो गए हैं। अब इसके लिए हमें कुछ इंग्रीडियंट चाहिए, जिसके लिए हमें चाहिए एक मीडियम साइज़ का प्याज, इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। एक चिली, ग्रीन चिली, इसे भी बारीक चॉप कर लिया। और साथ में तीन साबुत चिली, दो टमाटर, हाफ पटैटो, इसे बॉईल कर लिया। और कुछ मसाले, वन टेबलस्पून जीरा, एक बड़ी इलायची, वन टीस्पून चिली फ्लेक्स, वन टीस्पून धनिया पाउडर और पिंच हल्दी पाउडर, और वन टीस्पून ही ब्लैक पेपर, ये क्रश की हुई ब्लैक पेपर है। और थोड़े से फ्रेश करी लीव्स, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं वरना स्किप कर दें। और नमक एज़ पर टेस्ट, मान रहीम, हाफ कप इसमें जाएगा ऑयल। हम शामिल कर देते हैं प्याज, वन टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, कितनी सब कुछ कुछ मैं होती है पता नहीं, वन टेबल स्पून जीरा, जिसमें प्यूरी शाम कर देंगे टमाटो की, मैंने प्यूरी तैयार कर ली। इसमें डाले थोड़ा मसाला डाल देंगे, इलायची और साथ में मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चॉप की हुई ग्रीन चिली, मसाला हमारा बहुत अच्छे से कुक हो गया। अब इस पानी में हमें चने शामिल करने, बॉयल चने इसमें। अब इसे 5 से 6 मिनट तक चनों को कुक कर लेंगे मसाले के साथ। मैंने सेपरेट रख लिए थे बॉयल चने, इनको हम हाफ पोटैटो, इसको भी हम ऐसे ही पीस लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। एक बाउल में सेपरेट निकाल लेंगे, इसमें सेपरेट कर लिया। जो पोटैटो चने हमने मैश किए हैं वो इसमें शामिल कर लिए, इसकी ग्रेवी बहुत थिक बनेगी। साबुत मिर्च इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है, यही पानी इसमें चला जाएगा। बिस्मिल्लाह, कुक हो गया माशाल्लाह से। अब इसमें लास्ट में जाएगी चिकन क्यूब, इससे इसका टेस्ट और मज़े का आएगा। इसलिए लास्ट टाइम मैंने अभी इसमें नमक डाल था, क्योंकि जब चने बॉयल किए तब इसमें नमक हमने किया था और हमें चिकन क्यूब में डाला, क्योंकि ऑलरेडी चिकन क्यूब हमने लगा था। नहीं जी, हमारे झटपट तैयार हैं, बहुत ही मज़ेदार और झटपट तैयार लाहौरी चने। इसे चाहे पूरी तैयार लाहौरी चने, इसे चाहे पूरी से खाएं, चाहे नान से खाएं, बहुत ही टेस्टी।